Hello children, today we are going to start chapter 4 और ये class 3rd का English है। Chapter का नाम है Animal Kingdom। ये एक poem है और इस poem को हम पढ़ाने जा रहे हैं। Here is the ostrich straight and tall, nodding his head above us all. Here is the long snake on the ground, wriggling over the stone he found. Here are the birds that fly so high, spreading their wings across the sky. Here is the hedgehog, prickly and small, rolling himself into a ball. Here is the spider, scuttling around, treading so lightly on the ground. Here are the children, fast asleep, here at night the owls do peep. इसका एक बार मीनिंग समझ लीजिए। Here is the ostrich, straight and tall, nodding his head above us all. यहाँ पर एक ऑस्ट्रिच, एक शुतुरमुर्ग है। ऑस्ट्रिच को शुतुरमुर्ग कहते हैं हिंदी में। शुतुरमुर्ग लंबा और सीधा है। शुतुरमुर्ग की जो गर्दन है वो लंबी और सीधी है और ये अपनी गर्दन को इधर उधर ऊपर नीचे हिला रहा है। इसके बाद है हियर इज़ द लॉन्ग स्नेक ऑन द ग्राउंड रिगलिंग ओवर द स्टोन ही फाउंड। यहाँ पर एक लंबा सांप है, यहाँ पर ज़मीन पर एक लंबा सांप है और ये पत्थर के ऊपर हिल डोल रहा है, मतलब पत्थर के ऊपर रिगलिंग कर रहा है। Here are the birds that fly so high, spreading their wings across the sky. यहाँ आसमान में चिड़ियाँ अपने पंख को फैलाए आकाश को चीरते हुए उड़ रही हैं। Here is the hedgehog, prickly and small, rolling himself into a ball. Hedgehog क्या है? Hedgehog एक कांटेदार जंगली चूहा है जो बिल्कुल स्याही के जैसे दिखता है और यहाँ पर एक कांटेदार जंगली चूहा है जो बॉल की तरह रोलिंग कर रहा है। हियर इज द स्पाइडर इज कटलिंग अराउंड ट्रेडिंग सो लाइट ऑन द ग्राउंड। यहाँ एक स्पाइडर एक मकड़ी है जो अपने जाल के चारों तरफ तेजी से दौड़ रही है लेकिन ज़मीन पर बहुत धीरे चल रही है। हियर आर द चिल्ड्रेन फास्ट एस्लीप And here at night the owls do peep. यहाँ पर बच्चे गहरी नींद में सो रहे हैं और उल्लू इन्हें रात को जागते हैं। That's all. Thank you. आप अपनी बुक में जो पोयम है इसे पढ़िएगा और अच्छे से समझ के लर्न कीजिएगा। Thank you so much.